तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये हीरो कंपनी का पैशन प्रो बाइक है, जो कुछ दिन पहले मेरे पास इस बाइक का इंजन का काम हुआ था और ये बाइक अभी फर्स्ट सर्विस के लिए आया, क्योंकि इंजन बनाने के बाद हम लोग 500 से 700 किलोमीटर के बीच में ही इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर इंजन का काम हुआ हो या फिर चाहे फुल इंजन का काम हुआ हो, इस बाइक का हमने इंजन ऑयल चेंज कर दिया, एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, इस बाइक का टैपिट वगैरह टोटल चीज़ मैंने यहाँ पर सेटिंग कर लिया। अभी इस बाइक का आपको हम साउंड सुना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि बाइक का इंजन बनाने के बाद इंजन का साउंड खराब हो जाता है। तो चलिए इस बाइक को हम आपको स्टार्ट करके साउंड इसका सुना कि वाकई में इंजन का साउंड जो है सो खराब हो जाता है या नहीं। चलिए इस बाइक को हम अभी स्टार्ट करें और आपको इस बाइक का इंजन का साउंड आपको हम सुना रहे हैं। देखिए बाइक जो है सो प्रॉपर स्टार्ट हो गया और इंजन का साउंड जो है सो मुझे कुछ भी खराब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस बाइक का टैपिट वगैरह सेटिंग कर लिया, हम इस बाइक का फ्यूल और एयर का मिक्सर कर दिए हैं। इस बाइक से मुझे कुछ भी ऐसा साउंड देखने को नहीं मिल रहा जी, इस बाइक का बिल्कुल नया जैसा इंजन का साउंड जो अभी सुनाई दे रहा है। बाइक यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर चला हुआ है बाइक है, तो फ्रेंड्स आप इस बाइक का इंजन का साउंड सुन लिए, इंजन का साउंड कैसा, बिल्कुल नया जैसा इंजन का साउंड मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए इस बाइक को अभी हम कर लेते हैं बंद। तो फ्रेंड्स देखिए इस बाइक का बहुत ऐसे भी मेरे पास कस्टमर आते बोलते हैं इंजन बनाने के बाद इंजन सक्सेस नहीं होता है। इंजन सक्सेस नहीं होने का सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इसमें दो तीन प्रॉब्लम आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लूँ, इस ब्लॉक के अंदर जो हम लोग बोरिंग करवाते हैं, ब्लॉक बोर करवाते हैं, बोर आपको थोड़ा सा एक बाल बराबर भी आपको टेपट हो जाएगा तो आपका ब्लॉक फेल कर जाएगा, बाइक धुआं दे देगा कुछ दिन चलने के बाद। दूसरा जो प्रॉब्लम आ गया, ब्लॉक के अंदर आप लोग पलोन बोरिंग करवाते हैं, इसको क्रॉस बोरिंग करवाइए। अगर आप लोगों को लेथ का वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम आपको बताए कि ब्लॉक में एक प्लेन बोरिंग होती है, एक क्रॉस बोरिंग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस बोरिंग कराते हैं। क्रॉस बोरिंग जैसे स्प्रिंग जो है टेढ़ा मेरा रहता है राउंड करके, उस तरह से इस ब्लॉक के अंदर बोरिंग होता है क्रॉस बोरिंग। लेकिन हम लोग इस बाइक में तो क्रॉस बोरिंग करवाए, एक नॉर्मल बोर होता है। और दूसरा जो मेथड करता है, बाइक में आप कौन सा इंजन ऑयल देते हैं इंजन बनाने के बाद या इंजन बनाने से पहले भी, अगर बाइक में आप लोकल इंजन ऑयल का यूज करते हैं उस टाइम भी आपको कुछ दिन चलने के बाद बाइक धुआं देने लगा, क्योंकि इंजन ऑयल जब लोकल रहेगा तो इंजन का जो अंदर में पार्ट पुर्जा लगा है, क्रैंक पिस्टन रिंग कैम सब टोटल पार्ट आपको घिस देगा, बाइक उसके बाद धुआं देने लगा। इसका जो तीसरा प्रॉब्लम आपको हो गया वो हो गया, आप बाइक को इंजन बनाने के बाद गलत ड्राइव करते हैं। मान लीजिए जब इंजन बना करके दिया और बाइक को स्टार्ट कर फुल एक्सीलेटर आप दे दिए, इसको थ्रोटल आप पूरा दे दिए, बाइक कुछ देर चलने के बाद क्योंकि इंजन ओवर हीट होकर के रिंग जो है सो उसका कट जाएगा, रिंग के अंदर गैप आ जाएगा, फिर आपका बाइक व्हाइट स्मोक करने लगा। इस सब के प्रॉब्लम को लेकर क्या मिस्त्री जिम्मेदार है, जबकि मिस्त्री का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, मैकेनिक का कोई वो प्रॉब्लम रहता है इसके लेथ के प्रॉब्लम से, जो ब्लॉक में बोरिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर बाइक को गलत ड्राइव करने से इंजन बनाने के तुरंत बाद धुआं देता है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम रहेगा इंजन बनाने के जस्ट बाद वो धुआं देगा, ऐसा नहीं कि बाइक 2000-3000 चलने के बाद धुआं देगा। 2000-3000 चलने के बाद अगर बाइक धुआं दे रहा है तो मैकेनिक का प्रॉब्लम नहीं, वो कस्टमर का प्रॉब्लम है, बदनाम हो जाता है मैकेनिक। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स जितना इन्फॉर्मेशन हम आपको भी बताए वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले से मालूम था या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।